नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इमरजेंसी के दौरान के 6 किस्से। पहला किस्सा, जब एक खुद्दार शख्स ने इंदिरा गांधी के ताकतवर बेटे संजय गांधी को बोल दिया था, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी मम्मी का मंत्री हूं। दूसरा किस्सा, एक एक्ट्रेस का जो जेल में रातों में चीखती थी क्योंकि उसे बम बनाने के जुर्म में भीतर कर दिया गया था। तीसरा किस्सा, मशहूर एक्टर सैफ अली खान की सास का जो होटल से इशारा मिलते ही बुलडोजर लेकर अपने ही लोगों के बीच पहुंच जाती थी। चौथा किस्सा, देश के सबसे मशहूर सिंगर किशोर कुमार को चुप करा देने का। पांचवा किस्सा, आखिर देश को पता कैसे चला कि रात बीतने को है। और आखिरी किस्सा, अटल बिहारी वाजपेयी को जब डिंपल कपाड़िया की बिकनी से मुकाबला करना पड़ा। इंद्र कुमार गुजराल एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जनता दल की आपसी मुठभेड़ में एक ऐसे व्यक्ति के हाथ प्रधानमंत्री का पद लग गया जो कभी इसका दावेदार ही नहीं था। ये इंद्र कुमार गुजराल जनता दल से पहले कांग्रेस में थे, नेहरू की परंपरा के अधिकारी से राजनेता बने व्यक्ति माने जाते थे, सौम्य किस्म की राजनीति करते थे, इंदिरा के भरोसेमंद थे। लेकिन इतना भी राग दरबारी नहीं गाया इन्होंने कि संजय के सामने घुटने टेक दें। वाकया इमरजेंसी के लागू होने के बाद का है, जब संजय गांधी चाहते थे कि तमाम सरकारी भोपू, चाहे वो आकाशवाणी हो चाहे वो दूरदर्शन, राग इंदिरा गाएं और जैसा वो कह रहे हैं उसी हिसाब से चलें, सेंसरशिप को फॉलो करें। इंद्र कुमार गुजराल ने इससे इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री के घर में बने दफ्तर के बाहर उनकी संजय गांधी से बहस हो गई और इंद्र कुमार ने पूरी खुद्दारी के साथ और खींच कर कह दिया, बिहेव संजय गांधी, मैं तुम्हारी मम्मी का मिनिस्टर हूं और तुम मुझे आदेश देने वाले कोई नहीं होते हो। जाहिर है कि संजय का दौर चल रहा था और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को मंत्री का पद छोड़ना पड़ा और फिर सीट पर आए विद्या भैया, विद्या चरण शुक्ल, महंगे सफारी सूट पहनने वाले, पाइप पीने वाले और संजय की हर हां में हां मिलाने वाले। इमरजेंसी के दौरान जनसंघ यानी अब की भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को बेंगलुरु की जेल में बंद कर दिया गया था। रात में उन्हें एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। पता किया तो पता चला कि ये मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी हैं जिनको उसी जेल में बंद किया गया है। उनका गुनाह, उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, वो समाजवादी धारा से जुड़ी हुई थी और सरकार को ये शक था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जानती थी। जॉर्ज उस वक्त के मशहूर समाजवादी नेता थे और सरकार बड़ौदा डायनामाइट केस में उनकी तलाश कर रही थी। स्नेहलता रेड्डी को लगातार यातनाएं दी गई, जबकि सच ये है कि जो फाइनल चार्जशीट दाखिल हुई उसमें उनका नाम भी नहीं था। और इमरजेंसी खत्म होने के कुछ ही वक्त बाद स्नेहलता रेड्डी जेल में बिताए उन पलों की वजह से चल बसी। उनके फेफड़े, उनके गुर्दे बुरी तरह खराब हो चुके थे। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 70,000 गरीबों को उनके घरों से उजाड़ कर यमुना के पुश्ते में फेंक दिया जाए? जी हाँ, ये हुआ था और ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था और ये वाकया है तुर्कमान गेट का। संजय गांधी को लगा कि जामा मस्जिद के आसपास चीजें और खूबसूरत नजर आनी चाहिए। इस काम में उनका सहयोग कर रही थी मशहूर एक्टर सैफ अली खान की पहली सास अमृता सिंह की मम्मी रुखसाना सुल्ताना, जो उन दिनों यूथ कांग्रेस में बेहद सक्रिय थी। रुखसाना ने यह तय कर लिया कि वो अपने गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को समझाएंगी कि संजय की नीतियां, चाहे वो नसबंदी हो, चाहे सफाई, चाहे स्लम को हटाना, उनकी तरक्की के लिए कितनी जरूरी है। उस दौरान का एक किस्सा मशहूर है, जब DDA के उस वक्त के उपाध्यक्ष और संजय के चहेते ब्यूरोक्रेट जगमोहन संजय गांधी के साथ तुर्कमान गेट के पास एक होटल में मौजूद थे। तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और उन्होंने दरख्वास्त की कि बुलडोजर भेजने की और बस्तियों को हटाने की कार्रवाई रोक दी जाए। जगमोहन गुस्से में बोले, तुम्हारे पास यहां से निकलने के लिए सिर्फ 5 सेकंड हैं। 5 सेकंड बीते, लोग वहां से निकले और बुलडोजर निकले तुर्कमान गेट की बस्तियों को ध्वस्त करने के लिए। लोगों ने विरोध किया, गोलियां चली। याद रखिए, ये वो दौर था जब प्रेस में लिखा हुआ हर हर्फ सरकार से इजाजत मांगता था। लोगों का कहना है कि इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लोगों को लॉरियों में भरा गया जो जिंदा थे और यमुना पुश्ता में बनाई गई मेकशिफ्ट कॉलोनीज में धकेल दिया गया। ये ऐसी कॉलोनियां थी जहां पर ना नाली थी, ना निकासी थी, ना पानी था, था तो सिर्फ जून का तपता हुआ सूरज और इमरजेंसी का काला दौर। और अब बात उस दौर के सबसे चहेते सिंगर किशोर कुमार की। विद्या चरण शुक्ल ने फरमान दिया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इमरजेंसी के पक्ष में कोरस गाए। किशोर ने इनकार कर दिया। उनको कहा गया था यूथ कांग्रेस की एक रैली में परफॉर्म करने के लिए और नतीजा, संजय गांधी के पिट्ठू विद्याचरण शुक्ल ने यह आदेश दिया कि
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किशोर कुमार का कोई भी गाना, कोई भी फिल्म नहीं चलाई जाएगी। जाहिर है कि इमरजेंसी बीतने के बाद ये एम्बार्गो हटा लिया गया, लेकिन 2.5 बरस के लिए किशोर को सुनने के लिए लोगों को सिर्फ रेडियो सीलोन के सहारे रहना पड़ता था। नसबंदी के आंकड़े पूरे करने के लिए क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या अफसर, हर कोई जुटा हुआ था। हर कोई चाह रहा था कि संजय के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करके उनकी गुडबुक में आ जाएं। और उधर जेल में विपक्ष के नेता हताश होने लगे थे। उन्हें लगा था कि इमरजेंसी का ये दौर कभी नहीं बीतेगा। मगर फिर एक दिन अखबार में खबर आई कि इंदिरा सरकार इमरजेंसी हटाने, चुनाव करवाने और विपक्षी दल के नेताओं को रिहा करने पर विचार कर रही है। सुबह की ये खबर कैसे आई? उस वक्त के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर एक पार्टी में मौजूद थे जब उनके जान पहचान का एक इंटेलिजेंस का अफसर आया और उसने कहा, सरकार ने हमें आदेश दिया है कि कांग्रेस की लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता है इसको पता किया जाए। कुलदीप को इशारा मिल गया। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात कमलनाथ से हुई और उन्होंने एक मंझे हुए पत्रकार की तरह सिर्फ इतना पूछा, चुनाव कब हैं? अकबकाए कमलनाथ ने कहा, आपको कैसे पता? पत्रकार को स्टोरी कन्फर्म हो गई थी और अगले दिन अखबार की यही सुर्खियां थी। कुछ दिनों बाद विपक्षी दल के नेताओं को छोड़ा गया और उसके बाद इस देश में जो हुआ वो इतिहास है। पहली बार नेहरू गांधी परिवार, पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर आई, पहली बार लोगों ने दिखाया कि आखिर में उनकी आवाज ही महत्वपूर्ण होती है इस लोकतंत्र में। और अब आखिरी किस्सा जो इमरजेंसी के ठीक बाद का है और पूरे हालात पर सबसे खूबसूरत तंज भी कसता है। मार्च 1977 विपक्षी दल के नेता छोड़ दिए गए और उन्होंने तय किया कि दिल्ली में एक बड़ी जनसभा की जाए। सरकार को लगा कि ज्यादा लोग ना पहुंच जाएं और तब उनके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल ने ऐलान किया कि इस बार इतवार के रोज उस समय की चर्चित फिल्म बॉबी दिखाई जाएगी। अब एक तरफ बॉबी थी और दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता जिनके सिरमौर थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए नहीं कि उनका राजनीतिक कद सबसे ऊंचा था, बल्कि इसलिए कि लोग उनको सुनने के लिए घंटों बैठे रहते थे। रामलीला मैदान, बारिश हो रही थी इसके बावजूद खचाखच भरा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी उठे, 9:30 बज चुके थे रात के, और उन्होंने कुछ बोला। पहली लाइन बोली, 5 मिनट तक तालियां बजी। दूसरी लाइन बोली, 10 मिनट तक तालियां बजी, और उसके बाद लोग उनको 11 बजे तक लगातार सुनते रहे। अटल बिहारी ने क्या बोला था ये भी सुनाऊंगा, लेकिन इन लाइनों को सुनते वक्त ये याद रखिएगा कि 41 बरस बीतने के बाद भी इस देश को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। सेंसर अभी भी एक हवा है। इन लाइनों को सुनिए और याद रखिए कि बोलना और लबों की आजादी हमारे आपके होने के लिए, इस देश के होने के लिए कितनी जरूरी है। अटल बिहारी ने अपनी ही लिखी 4 लाइनें पढ़ी थी और वो लाइनें थी, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। सियासत के कुछ और किस्सों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।